देखो भैया, लेग फिक्स कराऊंगा तो स्टैंडर्ड और अल्ट्रा ग्राफिक्स पर ही 101% लेग फिक्स कराऊंगा। अपना काम ये नहीं है कि आप स्मूथ ग्राफिक्स कर लो तो लेग फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने का। अल्ट्रा ग्राफिक्स पर खेलने का और वो भी 60 के 60 FPS आने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारे गूगल प्ले गेम्स ऑन पीसी डेवलपर एडिशन इमुलेटर के ऊपर एक नई सीरीज जिसका नाम है जीरो टू हीरो। इसमें आपको गूगल प्ले डेवलपर एडिशन के सारे वो वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए काम के होंगे, जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई आपको मिल जाएगी, तो एक बार ये प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, जिसका नाम होगा जीरो टू हीरो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा गूगल प्ले का इमुलेटर है उसमें मैक्स 60 FPS लो, यानी 60 FPS से ज्यादा आपको FPS नहीं मिल सकते। लेकिन ये 60 FPS भी ब्लू स्टेक्स के 120 FPS के बराबर होंगे। चिंता ना करो, आपका गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, ऐसे और भी मजेदार वीडियो आएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज्यादा बेसिक वाली चीज, अगर आप उसको कर लोगे तो उसमें भी आपका लेग फिक्स हो जाएगा। और जितने की देखो मैं जो बता रहा हूँ ये विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके FPS जरूर ड्रॉप देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते हो तो आपको 60 FPS जो मैक्स मिलते हैं गूगल प्ले गेम सिमुलेटर में तो 60 के 60 ही मिलेंगे। मैं आपको पूरी अलग अलग सेटिंग बताऊंगा। तो जो सबसे पहली वाली सेटिंग है वो आपको डिस्प्ले पे जाना है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड पे आपको हाई FPS कर लेना है, फिर अल्ट्रा पे हाई FPS कर लेना है। मैक्स पे मत करना और स्मूथ पे भी मत करना, स्टैंडर्ड पे हाई FPS या फिर अल्ट्रा पे हाई FPS आप किसी पर भी सेटिंग पे ट्राई कर सकते हो। मैं थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ इसलिए मैं स्टैंडर्ड पे हाई FPS करके रखता हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते हो तो आप अल्ट्रा पे ट्राई कर लेना, लेकिन पहले स्टैंडर्ड पर हाई FPS करके ट्राई कर लेना। इसके बाद आपको चले जाना हिडन आइकॉन पे। आप सबको पता है टास्क बार में जो हमारे नीचे एरो बना रहता है वहाँ पर हिडन आइकॉन दिखता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गूगल प्ले गेम सिमुलेटर का आपको ये देखने को मिलेगा आइकॉन, इस पर जाना है। आप यहाँ पर आपको बाकी किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना, आपको नीचे एक सेटिंग देखने को मिलेगी ग्राफिक सेटिंग करके, तो आपको ग्राफिक सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा मैक्सिमम FPS। अब आपको ये मैक्सिमम FPS कुछ उस प्रकार से सेट करना है जैसे आपका मॉनिटर का रिफ्रेश रेट रहता है। अगर आपका 60 इंच का रिफ्रेश मॉनिटर है आपको, तो यहाँ पर 60 सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका 120 का है तो आपको 120 कर लेना है, लेकिन अगर आपको 75 हो, 110 का हो तो आपको 60 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तब आपको 120 पे नहीं जाना है, 120 से कम रहे तो आपको 60 करना है, 120 रहे तो 120 करना है, 144 रहे तो 144 कर लेना है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपको गूगल प्ले को रिस्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ से इसको पूरा क्रॉस कर देना है, फिर से आपको हिडन आइकॉन पे जाना है और यहाँ से आपको पूरा का पूरा इसको एग्जिट करना है, ठीक है। हिडन आइकॉन पे आप जैसे क्लिक करोगे चेक फॉर अपडेट के नीचे एग्जिट वाला आएगा, तो आपको पूरा एग्जिट करके एक बार रिस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मैक्सिमम FPS सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सेटिंग करना है, फिर आपको वापस से आपको गूगल प्ले गेम्स डेवलपर एडिशन को ओपन करना है। याद रखो आपको ग्राफिक्स पर स्टैंडर्ड पे हाई FPS या फिर अल्ट्रा पे हाई FPS सेट करना है, फिर उसके बाद आपको आपका ट्रेनिंग ग्राउंड या जो भी आप खोलना चाहते हो वो खोल सकते हो। और आप देखना कि आपका अचानक से जितना भी जो सेंसिटिविटी था वो चेंज हो गया होगा, आपको 2 गुना ज्यादा सेंसिटिविटी लगता होगा सिर्फ इतनी सी सेटिंग करने के बाद। और हाँ, याद रखो कि अगर आपको क्या करना है कि जब आप ये सब सेटिंग करो तब आपको आपका लैपटॉप का चार्जर को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब आपका लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट रहेगा तब वो पूरा ही हाई परफॉर्मेंस देता है अगर लैपटॉप हो तो। पीसी हो तो एज इट इज आपको पता ही है क्या करना है, जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ उनको आप नॉर्मली स्टेप फॉलो करते जाइए। अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपका FPS सडनली बहुत ही ज्यादा हो चुका है, और उसके बाद आपका जो मैंने जो सेटिंग बताई है आपको, इतना करने के बाद आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरी स्टेप, ठीक है, जो दूसरी मेथड रहती है उसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अब आपको फिर से चले जाना है आपके जो गूगल प्ले विटा का जो रहता है हिडन आइकॉन, वहाँ पे चले जाना। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम FPS आपने चेंज कर लिया, अब आपको इसको सेटिंग नहीं करनी है। अब आपको जाना है नीचे, आपको थोड़ा नीचे जाना है, ग्राफिक सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर वुल्कान और ऐसा करके देखने को मिलेगा, तो आपको जहाँ इंटेल UHD ग्राफिक्स, मतलब मेरा ये वाला ग्राफिक्स कार्ड है, आपका दूसरा ग्राफिक्स कार्ड हो तो आपको वो वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना, फिर से आपको हिडन आइकॉन पे जाना है, फिर से आपको यहाँ पे ग्राफिक्स सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर आपको नीचे और भी आपको ये देखने को मिलेगा ग्राफिक स्टेक ओवर, इसका मेरे को तो 101% नहीं पता है क्या चीज़ होती है। आपको FPS जो रखना है मैंने ऑलरेडी FPS का बता दिया, आपको वही FPS रखना है जो मैंने बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे वुल्कान स्टॉक ओवर, इसका मेरे को 101% तो पता नहीं है, लेकिन वुल्कान को फोर्स्ड ऑन कर देना है, या फिर आप एक एक बार करके तीनों फंक्शन चेंज कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ वुल्कान या फिर जो भी आपकी ग्राफिक्स का नाम है उसको फोर्स्ड ऑन कर देना है। फिर उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, आपका इमुलेटर को पूरा कट करना है, यहाँ पे हिडन आइकॉन पे जाना है, वहाँ से फिर से आपको एग्जिट कर देना है और इसको फिर वापस से आपके इसको जो गूगल प्ले गेम्स और डेवलपर एडिशन इमुलेटर इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आप देखोगे आपका FPS और भी बेहतर हो गया। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लेग होता है तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको आपके लैपटॉप को चार्ज पर कनेक्ट करके ये सब चीज सेटिंग करनी है, क्योंकि चार्ज पे वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा। तो चार्ज पे आपको कनेक्ट कर लेना है, हाई FPS आपको जो इन गेम फ्री फायर के अंदर हाई FPS ऑन रहता है उसको आपको ऑन ही रखना है। और अगर आप ऑन बैटरी ये चीज लाना चाहते हो कि ऑन बैटरी भी हमारे हाई FPS ज्यादा ही मिले, तो उसके लिए मैंने गूगल प्ले बीटा के लिए जो वीडियो बनाए थे ना वो जाकर आप चेक कर लेना एक बार। ऑल इमुलेटर लेग फिक्स वाली मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको आप एक बार देख लोगे ना तो उसमें
में इसका भी आपको आधा लेग फिक्स वाला सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार जाकर वो ऑल इम्यूनिटी लेग फिक्स वाली प्लेलिस्ट भी देख लेना। अगर इन सब के बाद भी नहीं हो रहा तो पहले आपको मेथड ये है कि आपको पहला तो आपको लैपटॉप को चार्ज पर लगा लेना है, उसके बाद जो मैंने सेटिंग बताई आपको उन सब सेटिंग को चेंज करना है। और हाँ, अल्ट्रा ग्राफिक्स पर भी ट्राई करना, अल्ट्रा ग्राफिक्स पर भी आप 60 out of 60 FPS देखने को मिलेंगे। आपको FPS कैसे देखने हैं अब आपको ये पता नहीं चलेगा, तो आपको विंडो प्लस जी आप जैसे प्रेस करोगे ना तो वो चीज़ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता देगा गेम बार के अंदर। और आप और कोई सा भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो जिससे आप FPS देखना चाहते हो। बट बाकी सब इतना मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था। इतना सब कुछ करने के बाद आपका लेग 101% फिक्स हो जाएगा। अभी ये हमारी जीरो टू हीरो जो सीरीज चल रही थी इसका आज का जो हमारा था, मैंने बोला था आपको पार्ट ये टू पार्ट है। और भी आगे आपको गूगल प्ले गेम्स डेवलपर एडिशन वाला की बेस्ट सेंसिटिविटी, इसके अंदर की आपको बेस्ट की मैपिंग सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे इस टॉपिक के ऊपर। बस अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये चैनल बहुत ही आगे जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हैव अ गुड नाइट डे।